तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक्सेल के ऊपर बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। कस्टम फॉर्मेटिंग हमारा काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए ही हम अपने हिसाब से फॉर्मेट करते हैं। तो क्या है मतलब कस्टम फॉर्मेटिंग का? तो एक सिंपल सी बात समझिए कि मैं यहाँ पे 1500 टाइप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शो हो MRP 1500। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने मैनुअली लिख दिया MRP 1500 जैसे कि ऊपर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हो, क्योंकि एक्सेल का रूल है कि किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टेक्स्ट को ऐड कर दिया तो नंबर टेक्स्ट हो जाता है और टेक्स्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि यहाँ कर रहा है। ओके तो मैं चाहता हूं कि टाइप जो हो वो 1500 हो, ताकि कैलकुलेशन कर सकूं, लेकिन लेकिन शो कुछ इस तरह से हो। तो किसी भी नंबर के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स टाइप का कुछ लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और जाएंगे फॉर्मेट सेल। राइट क्लिक की जगह पे आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं और इस पे भी कर सकते हैं। और नंबर वाले सेक्शन के अंदर हम कस्टम पे जाएंगे। कस्टम के अंदर आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे जनरल। अभी जनरल को डिलीट कर इन्वर्टेड कॉमा में हम MRP लिख देंगे। ओके अगर आपने सिर्फ MRP लिख के इन्वर्टेड कॉमा ध्यान से रखिएगा लगाइएगा, आपने सिर्फ MRP लिख के एंटर कर दिया तो देखिए MRP दिखेगा, आपका जो नंबर है वो नंबर नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? नंबर नहीं दिखेगा। आप नंबर को दिखाना चाहते हैं तो दो चीजें कर सकते हैं, MRP के बाद जीरो या हैश लगाना पड़ेगा। जीरो लगाइए या फिर आप इसके अंदर हैश लगाइए। अब जीरो हैश में क्या डिफरेंस है, सिंगल में नहीं पता चलेगा, डबल में पता चलेगा। अगर आप डबल जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं 5 लिखूंगा ये 05 हो जाएगा, मतलब कि डिजिट को मेंटेन करेगा। और हम दो बार हैश लगाए तो ऐसा कुछ नहीं हो। आप यहाँ पे प्लस 20 करें, देखिए MRP 25 हो रहा है, क्योंकि ये दिखने में आपको MRP 25 लग रहा है बट एक्चुअल में 25 है और 5 है। समझ गए अमित जी? कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर है ना जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम यहां पे एक चीज और करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। अब जैसे कि चेक नंबर की बात हुई थी कि किसी ने आपको चेक नंबर इस तरह से लिख के दे दिया, मैं चाहता हूं कि ये जो चेक नंबर यहां पे लिखा हुआ है ना एक्चुअल में चेक नंबर हो जाए, तो हम यहां पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 5 6 टाइम जीरो कर दें। अब बात आती है कि टेक्स्ट का फॉर्मूला क्यों लगाए, हम तो कस्टम फॉर्मेटिंग भर रहे थे। देखिए आप इसके ऊपर 6 टाइम जीरो लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंटर प्रेस करेंगे दिख जाए, बट जस्ट दिखेगा, आप इसको इसमें नहीं ले सकते। क्या बोलते हैं आप, इसको जो है किसी फॉर्मूले में नहीं ले सकते। मान किसी ने लिख दिया सिंगल कोड 0 0 1 3 0 1 3 4 राइट। अब देखने अब मैं यहां पे इसको यहां से कर देता हूं इग्नोर एरर।
ओके, अब दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे इन दोनों को हम फॉर्मूला के थ्रू या वी लुकअप के थ्रू ऐसे हम बराबर करेंगे तो यहां पे रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि ए आपको दिख रहा है 0 0 0 1 3 4, बट एक्चुअल में क्या है 1 3 4। हमने बताया था कि जो दिखता है वो एक्चुअल नहीं होता, एक्चुअल कहाँ दिखेगा? ऊपर फंक्शन बार में, मतलब कि फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है 1 3 4, लेकिन यहां एक्चुअल है, समझे? जी डाउट इसमें? नहीं। तो उस केस में अगर चाहते हैं कि मैच करे तो आपको जो है ना टेक्स्ट फॉर्मूला लगाना होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा में वही चीज डालेंगे जो कि हम कस्टम फॉर्मेटिंग में डाले हैं, और फिर इसको यहां हम इक्वल कर सकते हैं, और इक्वल करते ही दोनों आप बराबर। तो आप अगर विजिबिलिटी चाहते हैं तो आप नॉर्मली कस्टम यूज कर ले, अगर आप विजिबिलिटी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपका डेटा दिखे, उस केस में हम टेक्स्ट फॉर्मूला लगाए, राइट? चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहां मेरा मोबाइल नंबर है और मैं यहां पे प्लस 91 लगा के लिखना चाहता हूं, तो प्लस 91 एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है प्लस 91 से ही चलता है, ठीक है? जी इसलिए तो इस केस क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और यहां हम आएंगे कस्टम पे, प्लस 91 दे देंगे, और यहां करेंगे 1 2 3। अब जो 10 जीरो देना जरूरत है, एक भी जीरो डाल दे, एक हैश डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? एंड ओके। अब इसमें कोई भी नंबर डालें, 8802579388, एंटर प्रेस करते ही प्लस 91 अपने आप लग जाए, ठीक है? उसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे आईडी, मीटिंग आईडी लिखना चाहता हूँ, हर 3 डिजिट के बाद हैश चाहता हो, तो इसको लिया और यहाँ कस्टम पे गए और यहाँ पे करते हैं 123-123-123। हो गया, उसी तरह से मान लीजिए मेरे पास ए है अकाउंट नंबर। अभी ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से देखिए। अब अकाउंट नंबर का जनरली हमारा 13-14 डिजिट का होता है। अब एक्सेल में क्या है कि 11 डिजिट अगर लिखते हैं तो आपको दिख जाता है, दिख गया ना सर? लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 12वां डिजिट लगाते हैं, क्या हो जाता है? ई प्लस, मतलब कि साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। किसमें चला गया? साइंटिफिक फॉर्मेट में चला गया। अब साइंटिफिक फॉर्मेट में जाने से हुआ क्या कि आपका डेटा सही से विजुअल नहीं है, तो इसको करने के लिए सिंपल क्या कीजिएगा, इसके ऊपर जस्ट एक हैश, कस्टम में जाके एक हैश या एक जीरो दे दीजिए एंड ओके कीजिए। दिख गया नंबर सर? लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें आप 13 14 15 डिजिट तक देते हैं, 15 डिजिट देखते हैं, आपको दिखेगा 15 डिजिट दिख रहा है आपको? आप लेन का फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं कि 15 डिजिट का है। जैसे ही 15 डिजिट से यहाँ पे
सोलहवा सत्रहवा अठारहवा डिजिट डालेंगे, मतलब कि 15 डिजिट से जितना भी वैल्यू ज्यादा डालेंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसमें एक्सेल की गलती नहीं है सर, बेसिकली आपका जो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर है, और पर्सनल कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन 15 डिजिट के लिए ही बना हुआ है, इससे ज्यादा की कैलकुलेशन के लिए तो सुपर कंप्यूटर बना है सर। इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है पता है आपको? हेलो, नहीं आपको पता है अनुराग जी? इंडिया इंडिया के पास दो सुपर कंप्यूटर है, परम वन और उसी को अपडेट करके परम टू बनाया है, पुणे के अंदर है। इसका बहुत अच्छा स्टोरी है, राजीव गांधी जी मांगने गए थे अमेरिका सुपर कंप्यूटर तो मना कर दिया था, तो इंडियन वैज्ञानिक ने अप्रोच किया कि हमें फंड दीजिए हम बना देंगे, और दो सालों में इंडियन इंडियन साइंटिस्ट ने सुपर कंप्यूटर बना के तैयार कर दिया, उसी का नाम था परम वन, और अभी जो नया बना है जो लेटेस्ट है वो है परम टू। ठीक है, तो आपको अगर 15 डिजिट से ज्यादा का लिखना है तो आप जो है सिंगल कोट लगा के टेक्स्ट में लिख सकते हैं, और 15 डिजिट से ज्यादा मतलब क्या 32,700 समथिंग जो है लिख सकते हैं, इसे ज्यादा नहीं लिख सकते एक सेल के अंदर, इससे बड़ा करेक्टर को फिर अगले सेल में लिखना हो तो एक्सेल की सेल की लिमिटेशन है इतना, राइट। अभी काम आते हैं कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नंबर है, सीसी नंबर है, और मैं चाहता हूं जो मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर है वो कुछ इस तरह से दिखे कि 4521 और फिर एक्स 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 फिर एक्स 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 और फिर 7845। ठीक है, बड़े मैनुअली हमको लिखना पड़ रहा है ना सर, हम चाहते हैं कि हम मेरे पास 8 डिजिट है तो यहाँ पे 4521 लिखू 7845 लिखू और बीच में एक्स एक्स अपने आप लग जाए, तो इसमें हम कर्सर रखते हैं और कस्टम में जाते हैं और यहां पे जस्ट चार बार जीरो देंगे या हैश देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में एक्स 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 एक्स, फिर स्पेस दिया इन्वर्टेड कॉमा एक्स 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 और फिर यहां पे 1 2 3 4 देन ओके। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे 45 रुपए 36 पैसे लिख रखा है, तो इसमें भी आप कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि कस्टम पे गए, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे एक जीरो एक हैश दिए और यहाँ पे रुपीज डॉट जीरो जीरो और यहाँ पे पैसे। अब यहाँ पे जीरो हैश क्यों दिया? जीरो हैश इसलिए दिया कि ताकि जो है जीरो हैश देने का पर्पस ये रहा कि दो डिजिट को मेंटेन करेगा, दो डिजिट को मेंटेन करेगा। ठीक है, कीजिए क्या?
मान लीजिए मैं यहाँ पे 25,000 करता हूँ, तो यहाँ पे थाउजेंड सेपरेटर लगाने के लिए क्या तरीका है कि हैश कॉमा हैश हैश या 0,00। लेकिन मैं अगर सिर्फ कॉमा देके छोड़ दूँ तो अमाउंट इन थाउजेंड हो जाएगा। देखिए 25,000 क्या दिख गया, 25 दिख गया। ये सामने के अगर कुछ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 25 दिख रहा है, बट है कितना 25,000। जैसे 1,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया और मुझे इसको ऐड करना है, तो आप देखेंगे कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए कोई बड़ा अमाउंट है तो इसके लिए हम यूज करते हैं 0.00 और डबल कॉमा, तो 2.56 दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कितना है, वह इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये आपका जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको 25,63,000 का कुछ ऐसा देगा, ये 2 मिलियन हो गया ना, क्योंकि 10 मतलब 10 लाख मतलब 1 मिलियन, तो 2.56 मिलियन, समझे? ओके। उसी तरह से कोई डेट है आपके पास, कोई डेट आपके पास, तो डेट को भी आप इसी तरह से चेंज कर सकते हो। जैसे कि डेट में अगर आप जाते हैं कस्टम में, तो डीडी होता है आपका डेट के लिए, एमएम होता है मंथ के लिए, वाई वाई होता है ईयर के लिए। आप डीडी में देखिए, एक डी डालेंगे तो 1, 2, 3 दिखेगा, 2 डीडी डालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 0, 1, 2। 3 डीडी डालेंगे तो आपको दिखेगा वेनसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ इस तरह से, और 4 डीडी डालते हैं तो क्या होगा, ये पूरा नेम दिखेगा, यहाँ दिख रहा है ऊपर। तो ऐसे ही एम मंथ आएगा, एमएम 3 बार एम, जून 4 करेंगे तो जुलाई, जून जुलाई आएगा, 5 करेंगे तो सिर्फ जे आएगा, और ऐसे ईयर आएगा। और आप इसको अपने हिसाब से जैसा लिखना चाहे लिख सकते। मैंने देखिए यहाँ पे डीडी कर दिया और स्लैश लगा दिया, ठीक है। डी 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 कॉमा दीजिए, एम 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 स्लैश, नहीं यहाँ पे डैश, अगेन डी डी और स्लैश वाई 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 देन ओके, ठीक है, समझे? कोई डाउट इसमें? ये था। उसी तरह से टाइम का भी है, अगर टाइम डालते हैं तो एच एच एम एम एस एस टाइम का भी है, आवर मिनट सेकेंड, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल आपने पढ़ लिया, तो जो कल मैंने दिया था, हेलो, यस सर, आर्टिकल आपने पढ़ लिया था जो मैंने आपको दिया था, नहीं, तो आर्टिकल पढ़ लीजिए, क्योंकि अगली जो हमारी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है आर्टिकल पे बेस्ड है, तो प्लीज उस आर्टिकल जो कल मैंने भेजा था मेल पे, उसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम कल जो है आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में, ठीक है?